मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभा। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुस्तान में एक दिन के त्यौहार के रूप में नहीं बल्कि रिश्तों की बुनियाद के रूप में मनाया जाता है, जहां बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने रिश्तों को और मजबूत करती है। वहीं भाई अपनी बहन को वचन देता है कि किसी भी परिस्थिति में वो उसकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन के इस अवसर पर आरएसएस के संगठन जय भारत मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रक्षाबंधन दिवस के नाम से एक मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जिसका आयोजन सिविल सेंटर रामलीला रोड नई दिल्ली में 4 अगस्त 2017 को किया जाएगा। मंगलवार को होटल वैभव पैलेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ संयोजकों ने इसकी जानकारी दी। आरएसएस का जो अनुशासन जो संगठन है जय भारत मंच, ये आगामी 4 अगस्त को दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रक्षाबंधन समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमुख हस्तियां आएंगी, जिसमें राज्यपाल राजनेता रहेंगे। वहां पर पूरे भारतवर्ष से महिलाएं पहुंच करके उनको राखियां बांधेंगी और ये संदेश देंगी कि हमको चाइनीज राखियों का इस त्यौहार पर बहिष्कार करके अपनी सेना का समर्थन करें। कार्यक्रम का नेतृत्व आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश जी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर 16 देशों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रतिभा भार्गव को दायित्व दिया गया है और वहां होने वाले भारत गान के लिए सह संयोजक का नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दूसरा राष्ट्रीय बंधन दिवस दिल्ली में सिविक सेंटर में मनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि कितनी संख्या यहाँ से जा रही है। उसके साथ साथ जो वहाँ पे भारत गान होगा उसकी भी संयोजिका मुझे बनाया गया है। मुझसे बताया गया कि मैं यहाँ एक प्रेस वार्ता करूँ, जिसके तहत मैं लोगों को, आगरा के लोगों को ये अवगत करा सकूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रक्षाबंधन दिवस हो रहा है। तो आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, जिसके जरिए हम लोगों को ये बता अंजना कुलकर्णी, मैं प्रतिमा भार्गव जी के इस सहयोग कार्य के लिए मैं उनके साथ हूँ। और चाइनीज राखियों के विरोध में ये जो अच्छा कदम उठाया गया है कि हमें चाइनीज राखियों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए हर बहनों को, और अंतर्राष्ट्रीय राखी दिवस जो मनाया जा रहा है दिल्ली में, उसमें हम सभी महिलाएं सभी लोग जाएंगे और मैं अपील करती हूँ कि हर महिला इस और यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय रक्षाबंधन दिवस समारोह के लक्ष्य से जमा हुआ प्रेस वार्ता के लिए एक बहुत ही वृद्ध स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। आरएसएस के द्वारा ही इसमें लिखते हैं और हम एक संदेश देना चाहते हैं चाइना की राखी का बहिष्कार करके। जो फौजी सिपाही हमारा हमारे लिए खड़ा हुआ, चूँकि वो वहाँ है इसलिए हमारे यहाँ है, बहिष्कार करेंगे। हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति प्रतिमा भार्गव जी यहाँ से संगठन का। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चाइनीज राखियों का बहिष्कार करना है। सभी देश प्रदेशों से आई बहनें अपने हाथ से बनाई हुई राखियों को अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर ये संदेश देंगी कि वो चाइनीज राखियों का बहिष्कार कर अपने भाइयों को जीवन दान दे रही हैं। जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता आ रहा है,
अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाएगा, जिससे भारतीय संस्कृति से विलुप्त होते जा रहे हमारे त्योहारों को सभी जान सकेंगे। इससे हमारी भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट।